इस वीडियो में बात करेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो ऑर्गेनिज्म का कंसेप्ट इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गन्स का कम्बिनेशन है या ऑर्गन सिस्टम का। अब मैंने बताया था कि हमारे जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, सेल का फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हुए हैं वो सेल कंट्रोल करते हैं। अब ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो टिश्यू बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो हैं वो ऑर्गन बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब आप जो हैं आप भी एक ऑर्गेनिज्म्स हैं, क्योंकि आप जो हैं डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं आपकी बॉडी में हैं, जिनके थ्रू आपकी बॉडी जो है वो मूव कर रही है, अपनी काम कर रही है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं, कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन से ही एक ऑर्गेनिज्म बनता है, जो कि काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में, यानी हर ऑर्गन का एक दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। इसी तरह अगर इनमें से कोई एक भी हमारा जो ऑर्गन है वो काम नहीं करेगा, तो हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फोत भी हो सकता है, यानी एक ऑर्गन फेल होने की वजह से इंसान जो है उसकी डेथ हो सकती है। अब ऑर्गन, आपको पता है हार्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इसके अलावा ये जो इनमें से कोई भी ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाए तो इंसान की डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये कंसेप्ट था ऑर्गेनिज्म के बारे में, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।